हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज संडे है, हम माँ बेटा आ गए हैं किचन में। तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पोहा बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। बेटा चाय बना रहा है। मैंने ना उसको थोड़ी बहुत कुकिंग सिखाई है और कुछ सिखा भी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के को भी कुकिंग आनी चाहिए, आगे जाके इनको इन फ्यूचर पता नहीं अपनी स्टडी के लिए या जॉब के लिए क्या पता कहाँ रहना पड़ जाए। तो अगर इनको हमने सिखाया होगा या इनको आता होगा कुछ, तो ये अपना मैनेज कर लेंगे। पोहा रेडी हो गया, इसमें मैंने अभी सेव डाल दी। तो आप सब भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। अभी हम नाश्ता करेंगे और साथ में देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये हम दोनों का फेवरेट सीरियल है, तो अक्सर हम लोग जब भी खाना खाते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये चला ही लेते हैं। अभी दोपहर का तकरीबन 1:30 बज रहा है, तो मैं खाना बनाऊंगी। उससे पहले मैं ये स्लैब और गैस साफ़ कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे ना किचन में ये स्लैब पे भी गैस पे भी चींटियाँ बहुत आ जाती हैं, तो मुझे खाना बनाने से पहले भी अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है, बाद में तो करना ही है। तो आज मैंने कोई सब्ज़ी बनाई नहीं, सब्ज़ी रखी थी उसी को यूज़ करेंगे हम दोपहर में। तो मैं यहाँ पर दाल गर्म कर रही हूँ। फ्राई पैन में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी गर्म होने रख दी। तो मुझे लगता है कि सबके घर में ऐसा होता होगा, सब्जी बच जाती होगी, कितनी भी कोशिश कर लो एक कटोरी के करीब बच ही जाती है सब्ज़ी। तो उसको नहीं फेंकती हूँ मैं, रोज़ भी कितनी सब्ज़ी फेंकोगे, एक दूसरे तीसरे दिन ऐसे बच जाती है, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया। मैंने ये गैस स्लैब पूरी चकाचक कर दी, बर्तन भी धो दिए हैं, उसको बाद में रैक में लगाऊंगी। अभी पानी थोड़ा उसका निकल जाए, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो दोपहर में मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई, क्योंकि सब्ज़ी फ्रिज में पड़ी थी उसी से हम लोगों ने दोपहर का कर लिया। थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी थी और थोड़ी सी वो दाल पड़ी थी, तो हम लोगों का दोपहर का खाना वाना उसी से हो गया। अभी शाम को देखती हूँ क्या बनता है फ्रिज में। वैसे मैंने ये गोभी और ग्वारफली रखी है, तो उसी को बनाऊंगी। उनमें से देखती हूँ क्या बनाती हूँ दोपहर में, जो भी बनाऊंगी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिलहाल ये देखिए कपड़े, बाजार लगा पड़ा है पूरा। इनमें से कुछ तय लगाने वाले हैं कपड़े और कुछ प्रेस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ लाइट का इशू रहता है, तो टाइम से प्रेस हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर कल बेटा स्कूल जाएगा फिर दिक्कत आएगी उसको। तो आज मैं प्रेस करके टांग दूंगी, तय लगाने वाले तय लगा दूंगी। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, जब तक हस्बैंड भी ड्यूटी से आ जाएंगे फिर चाय का टाइम हो जाएगा। तो अभी आपसे मैं शाम को मिलती हूँ। अभी मैं यहाँ गोभी काटने बैठ गई हूँ, देख के काट रही थी। गोभी साफ़ थी वैसे बिल्कुल, पर फिर भी मैं इसको ना गर्म पानी में थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। यहाँ फिर उसके बाद मैं यूवी की यूनिफॉर्म प्रेस करने लग गई, कल स्कूल है तो फिर ये ज़रूरी थी। बाकी कपड़े फिर मैंने रहने दिए। तो यूनिफॉर्म तो होगी प्रेस, अभी इसको टांग देते हैं दूसरे रूम में। यहाँ टांग दूंगी, यहाँ से ना आराम से उठा लेता है सुबह वो। तो बाकी ये कपड़े थे ये कल ही प्रेस हो गए, अभी आलस आ रहा। तो चलो मैंने सब्जी झोंक दी गोभी की, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे ड्यूटी के लिए। अभी आज हम आए हैं ऑडिटोरियम में मूवी देखने,
ड्रीम गर्ल 2 मूवी लगी है, तो वहाँ अगर कैमरा लाओ हुआ तो एक आधी क्लिप निकालूंगी दिखाऊंगी। तो बेटा नहीं आया है, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हस्बैंड आगे भागते जा रहे हैं। तो चलिए अभी आपको ऑडिटोरियम दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये यहाँ का ऑडिटोरियम, शेखो ऑडिटोरियम। ये यहाँ का गार्डन है छोटा सा, देखिए कैंटीन भी है वो कॉर्नर पे, इंटरवल में अगर आपको कुछ खाना तो फैसिलिटी है ऐसी। तो यहाँ पे टिकट लेंगे, अभी हस्बैंड गए हैं लेने। आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।